राजू भैया, आजकल जेल में परफेक्ट खाना नहीं मिलता। सरकार की तरफ से राशन का जितना कोटा आता है उसमें से भी आधा जेलर और उसके साथी मिलकर बेच देते हैं। हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो लोग हमें बहुत मारते हैं। राजू भैया ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, आज से भरपेट खाना ही नहीं मटन चिकन भी मिलेगा। ये दो नंबरी का वादा है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो राजू भैया सबको फोड़ डालेंगे। जेलर साहब आप यहाँ बैठे हैं? तो कहाँ बैठे? आप कहीं मत बैठिए साहब, वरना ये डुगरू के जाने दोस्त खुदकुशी करके मर जाएगा साहब। मर जाएगा? हाँ। मगर क्यों क्यों मर जाऊंगा? अरे पानी से पतली दाल और पत्थर जैसे गेहूं से बनी रोटी खाकर कौन जिंदा रहना चाहेगा? तुम लोग चाहोगे? नहीं। तो फिर मैं यहाँ से कूदकर मर जाऊं? हाँ। अरे मैंने तो सोचा था ये लोग मुझे रोकेंगे, ये सब तो मुझे मानने पर तुले हुए हैं। और साला डुंगरुस का बच्चा अभी तक जेलर को लेकर आया क्यों नहीं? ठीक है, तुम लोग तीन तक गिनो, मैं यहां से कूद कर मर जाता हूं। एक, दो, एक, हुट, हुट। क्या यार गिनना तक नहीं आता? स्कूल गया कि नहीं? देखो मैं कैसे गिनता हूं। एक 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 एक, एक, एक। सवा दो। राजू रुक जा, राजू रुक जा। आई सर, जले सर तुझसे बात करने जाते हैं। नहीं, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, मुझे सिर्फ खुदकुशी करनी है। तुम खुदकुशी करना क्यों चाहते हो? तुम्हें मेरी जेल में क्या प्रॉब्लम है? पेट की प्रॉब्लम है, पेट की। अरे सुन की भी हाथ होती है, खुद तो मटन चिकन खाते हो और हम कैदियों को दाल रोटी देते हो। हम आपकी जेल में अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, लाए गए हैं। और जो लाया गया बुलाया गया वो मेहमान होता है कि नहीं? होता है। तो बस हमारा डिमांड है हम इज्जतदार कैदियों के लिए खाने का नया मेनू बनाया जाए जिसमें मटन चिकन कुर्ते कपूरे ये सब कुछ हो। और जो जो कैदी व्रत रखते हैं उस दिन उनके लिए फल शल यानी अंगूर शंगूर हो। बोलो हमारा डिमांड मंजूर है या तो मैं यहां से खुदकुशी करता हूं। मैं सिर्फ तीन गिनूंगा, एक दो। साहब जल्दी से आ करिए वरना आपकी नौकरी गई। नहीं, नौकरी मेरी नौकरी अभी नहीं, ये कूदेगा तो आपकी नौकरी जाएगी साहब। मैं आपसे कह रहा हूँ साहब, ये बात पेपर में छपेगी, अपोजिशन वाले वो कानून तक पहुंचेगी, उसको उछालेंगे और छोटी सी बात हेडलाइन पे आएगी, सत्ता पलट जाएगी, हुकूमत चेंज जाएगी। साहब जी मैं कह रहा हूँ आपके सीनियर साहब को कुत्ते की तरह मारेंगे, आपकी कुर्सी ही जाएगी साहब। आप सोचिए। एक दो। ये राजू तीन तक गिनता क्यों नहीं? उसे तीन तक गिनती आती नहीं, आप बोले ना साहब। भाई मुझे कुछ सोचने का मौका भी दो। सोच इधर क्या मौका ढूंढ रहे हैं आप, जरा सोचिए। अगर ये कूद जाएगा मर जाएगा, आपकी नौकरी जाएगी, ये वर्दी उतर जाएगी, आप दो कौड़ी के हो जाएंगे, जरा सोचिए। आपके बाल बच्चे रोड पर आएंगे, आपके बच्चे सिग्नल में भीख मांगेंगे, जरा सोचिए। बच्चे आपके सिर दे वाले साये बाबा मेरे बाप ने रोड पे लाया। कभी भी आप मेरे घर आइएगा, मैं आपको अच्छी अच्छी एडवाइस दूंगा। भगवान आपको अच्छा रखे। ये टोपी पहन लो। थैंक यू। ओके बाय बाय। थैंक यू। राजू खाना खा लो। डुंगरोस मैंने क्या फैसला किया है? क्या फैसला किया है? दोबारा टंकी में जाके मरने का बहाना करके मिठाई की भी मांग करने वाला है क्या? मैंने फैसला किया है कि आज के बाद ये चोरी चपाटी बंद कर दूंगा। क्या बैकी बैकी बातें कर रहा है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? अरे सारे कैदी चिकन मटन खा रहे हैं, तेरे लिए दुआ कर रहे हैं, तू तरक्की करे, बड़ी बड़ी चोरियां करे, बड़े जेल में आए
और तू चोरी चकाटी बंद करने की बात कर रहा है? ए चुप कर यार, इस तरह बार बार जेल आने जाने से माँ को बहुत दुख होता है। आप बाहर जाएंगे तो नौकरी की तलाश करेंगे या कोई बिजनेस करेंगे। मैंने 5 लाख रुपया जमा कर लिया है, पहले बहन की शादी कराएंगे उसके बाद माँ की सेवा करेंगे। ये मेरे भैया के लिए, मत रख उसके लिए, और उसे याद भी मत कर, उसे हमारा जरा भी ख्याल नहीं है। क्यों माँ, अपने भैया को क्यों नहीं याद करूं? और तू कर सकती है? मैं उसे बिल्कुल याद नहीं करती। झूठ मत बोल माँ, राजू भैया को याद करके तू जो रात में छुप छुप के रोती है मैं सब जानती हूँ। मैं राजू के लिए नहीं रोती हूँ, अपने लाड़ दुलार के लिए रोती हूँ जिसकी वजह से वो बिगड़ गया है। अब आने दे उसे, घर में घुसने नहीं दूंगी। जो बेटा तेरे दिल में घुस के बैठा है उसे घर में घुसने से कैसे रोक सकेगी माँ? बस बस बहुत वक्त हो गया है, कॉलेज जाने में देर हो जाएगी। हाथ बिगड़ गया मेरे लाड़ प्यार से। अरुण, हमारी शादी कब होगी? कर लेंगे शादी, इतनी जल्दी भी क्या पड़ी है डार्लिंग। ओके, सी यू। सॉरी डार्लिंग, रास्ते में जो मंदिर पड़ता है ना वहां से पूजा करके आ रहा हूँ, इसलिए देर हो गई। कोई बात नहीं, अपने पिताजी से बात की? वक्त ही नहीं मिला, एक दो दिन में जरूर बात करूंगा। दो एक दिन कहकर तुम्हें पूरे 2 महीने लगा दिए। अरुण, तुम्हें जल्दी बात करनी होगी, मेरी कोख में तुम्हारा बच्चा, तुम समझ रहे हो ना? मैं कब तक जमाने से और अपनी माँ से छुपा सकूंगी? देखो हमारी शादी बहुत जरूरी है। ओके डार्लिंग, आज मैं जरूर बात करूंगा, हमारी शादी तो पक्की है। खुश, अब चले। निशानी पाप ही तो है, वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार है माँ। कौन है वो, क्या नाम है उसका? अरुण, मेरे ही कॉलेज में पढ़ता है, रिटायर्ड जज शर्मा साहब का बेटा है। जी नमस्ते। नमस्ते, कहिए किससे मिलना आपको? अरुण के पिता आप हैं? जी हाँ मैं हूँ, कहिए क्या बात है? समझ में नहीं आता कैसे कहूँ, मेरी एक बेटी है मधु, आपके बेटे के साथ कॉलेज में पढ़ती है। मेरी तो आपके सामने बात करते हुए भी गर्दन शर्म से झुकी जा रही है, दोनों बच्चों से नादानी हुई है। कैसे नादानी? मेरी बेटी मधु, आपके बेटे अरुण के बच्चे की माँ बनने वाली है। माँ? तुम ये कैसे कह सकती हो कि वो बच्चा हमारे भाई अरुण का ही है? वो हमारा भाई है, ऐसी गिरी हुई हरकत वो कभी नहीं कर सकता। तुम्हारी बेटी ने जरूर किसी दूसरे से अपना मुंह काला किया होगा,
गंगा जमुना सरस्वती है, क्या बदतमीजी है? आप चुप रहिए पिताजी, ये एक नीच गिरी हुई लड़की की दलालू माँ हमारे भाई पर, हमारे खानदान पर कीचड़ उछालने आई है और हम चुप रहे। मैं ऐसी औरतों को अच्छी तरह जानती हूँ। बड़े घर का बेटा देखा और जाल फेंकना शुरू कर दिया। इस बुढ़िया को कुछ भी दे दो और चलता करो। ऐसा मत कहो, तुम सब भी तो औरत जात हो। हाँ, हम औरत जात हैं। अपनी इज्जत संभालना हम अच्छी तरह जानती हैं। जो औरत शादी से पहले माँ बन जाती है उसकी हैसियत हमारी नजरों के सामने बाजारू औरत से ज्यादा नहीं। अरुण इधर आओ। क्या बात है? ये बुढ़िया कह रही है तुम्हारा इसकी लड़की के साथ कुछ चक्कर है। कौन लड़की? मैं कॉलेज में पढ़ने जाता हूँ, लड़कियों से चक्कर चलाने नहीं। मैं मधु की बात कर रही हूँ बेटे। ए भिखारन, मुझे बेटा मत बोल। तू मधु की माँ है? वो तो बहुत ही बदनाम लड़की है, उसके तो कई लड़कों से चक्कर है। सुना तूने? अब जरा सी भी शर्म हया है तो जा अपनी लड़की का गला घोटकर मार डाल, नहीं तो कहीं डूबकर मर जा। बस बस मैं और नहीं सुन सकती। नहीं सुन सकती तो जाओ यहाँ से, वरना नौकर धक्के देकर निकाल देगा। वाह बच्चों वाह, आज एक जज के घर में क्या न्याय हुआ है, एक तरफा न्याय। आप जज जरूर हैं मगर रिटायर्ड। चलो गुरु, चलो किसी तरह बाहर तो निकल गए। मगर गुरु अपन करेंगे क्या? बता तो दिया है कि जाकर कोई नौकरी करेंगे। नौकरी? कौन सी नौकरी बाबा? कोई भी नहीं तो धंधा करेंगे। तेरे को तो मालूम, तेरे को माँ बाप ने तमीज नहीं सिखाया कि आने जाने वाले को सलाम मारा करते हैं? ये क्या फाइव स्टार होटल है? मुझे क्या फाइव स्टार होटल का गेट कीपर समझ रखा है? अरे नहीं भाई, नहीं भाई, इसका कसूर नहीं है। क्या है कि जेल के अंदर वो चिकन खा खा के इसको होटल ही समझ लिया है। देख अभी हम लोग जा रहे हैं, वापस यहाँ कभी नहीं आएंगे। तो मैं क्या करूँ? तू कुछ मत कर मेरे लाल, बड़े साहब को बोल के ये जेल तुड़वा दे। जब राजू नहीं आएगा तो ये जेल कायकू और तू यहाँ कायकू। चलो। मैं यहाँ कायकू? दरवाजा तो बंद है डुंगरोस, ये माँ कहाँ चली गई? राजू भैया माँ हॉस्पिटल में है। क्यों, क्या हो गया? उन्होंने जहर पी लिया। ठीक है तुम जाओ। डॉक्टर डॉक्टर, मेरी माँ उर्मिला देवी कैसी है? शी इज ऑल राइट, अगर थोड़ी देर और हो जाती तो उन्हें बचाना मुश्किल था। उन्हें कोई खतरा नहीं है, वो वार्ड नंबर 2 में है, आप जाके मिल लीजिए। क्यों बचाया मुझे? मर जाने दिया होता। मगर तू क्यों मरना चाहती है माँ? जिंदा रहने के लिए कुछ बचा ही नहीं मेरे पास, बदनामी और जिल्लत के अलावा क्या मिला है मुझे? तुम्हारे पिताजी के साथ मैं भी मर जाती ना तो अच्छा रहता। मेरा बेटा चोर है, ये कलंक तुमने लगा दिया मेरे माथे पर, फिर भी मैं मर मर कर जी रही थी मधु के लिए, कि उसकी शादी करूं, उसका घर बसाऊं, लेकिन उसने भी मेरे चेहरे पर काली पोत दी। मैं लड़के के घर गई थी रिश्ता मांगने के लिए, लेकिन उसकी तीनों बहनों ने मुझे ऐसा जलील किया, लग रहा था धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। तुझे अपने बेटे की खुशियां देखने के लिए जिंदा रहना होगा। और फिर भी तुम कह रहे हो कि मैं जिंदा रहूं? किसके लिए बोलो, किसके लिए? मधु की शादी देखने के लिए तुझे जिंदा रहना होगा। मैं तेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाता हूं, आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, और वादा करता हूं कि उन तीनों बहनों को तेरे चरणों पर गिराकर माफी मांगने पर मजबूर कर दूंगा। उनके होठों पर माफी होगी और उनके दिलों में गहरा दुख होगा जो तेरे दुख से भी 100 गुना ज्यादा होगा। मैं
मत रो मेरी बहन, तेरी औलाद होगी, उसके साथ न सिर्फ उसके बाप का नाम होगा बल्कि उसका बाप भी उसके साथ होगा। गुरु, तूने मां और मधु के सामने इतनी बड़ी कसम तो खा ली, अब पूरी कैसे करेगा? पूरी करूंगा डुमरूस, जरूर पूरी करूंगा। तेरा प्लान क्या है? मैं उन तीनों लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाऊंगा। भगवान, इस पर्सनालिटी को एक लड़की नहीं फंसी और आप तीन तीन लड़कियों की बात कर रहे हैं। बात सुन, जाके मां से कह दे कि मैंने मजाक में कसम खा ली थी। क्यों झंझट पाल रहा है? रही बात अरुण की, उसको कोने में लेके घपा गप देते हैं और मधु की उसके साथ शादी करवा देते हैं टेंशन फ्री। ये तो चंद मिनटों का काम है डुंगरूस, मगर शादी के बाद क्या होगा? उसे इज्जत मिलेगी, पति का प्यार मिलेगा, उस घर में उसकी हिफाजत होगी। नहीं डुंगरूस, उन तीनों ने मां की जो बेइज्जती की है उसका बदला लेना होगा, उन तीनों का सर झुकाना होगा और उसके भाई को यह एहसास दिलाना होगा कि बहन की मोहब्बत क्या होती है, उसका दुख क्या होता है। तूने उन तीनों के बारे में मालूमात हासिल की है? हां, मैंने मालूमात हासिल की है। इन तीनों का नाम गंगा जमुना सरस्वती है, मगर इनके नाम की कोमलता पे मत जाना, जलजला है, तूफान है, बिजली है, बड़ी खतरनाक है। तू प्यार की बात करता है ना, ये तीनों नफरत की देवियां हैं, खास तौर पे मर्द जात से नफरत करती हैं। और क्या क्या मालूम किया? मालूम किया कि जमुना जो है ना वो पुलिस ऑफिसर है। बाप रे बाप, मैंने जिंदगी में बहुत से ऑफिसर देखे लेकिन इतनी खतरनाक मैंने आज तक नहीं देखा। बहुत डेंजर है बाप, बहुत डेंजर है। ये सब क्या हो रहा है? अरे देखो यार, लड़की आई है। बहुत खूबसूरत है यार। वो भी अकेली आई है? हाँ, मैं अकेली तुम सब पर भारी पड़ूंगी। Thank you.
डोंट मूव। समझ गया ना गुरु, अब तो इरादा बदल गया होगा ना। दूसरी लड़की का क्या नाम बताया था तूने? गंगा, वकील है वो। वकील क्या जलजला है। लक्ष्मी बाई का केस तू लड़ रही है ना? हाँ, क्यों? तू ये केस मत लड़, मैं ही उसका पति हूँ, समझे? ओहो, तू ही उसका पति है। लक्ष्मी बाई ने गरीबी में तेरा साथ दिया, अब अमीर हो गया तो तूने उसको तलाक दे दिया। अब बेचारी कहाँ जाएगी, अपनी जिंदगी कैसे काटेगी? उससे तुझे क्या लेना? मुझे उसका हक दिलाना है। तुझे उसे हर महीने 10,000 रुपए खर्चा देना पड़ेगा। ये केस जीतने तक मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तू जिंदा रहेगी तो हक दिलाएगी ना। मैं क्या चीज हूँ तुझे अभी बताता हूँ। मैं फैसला कोर्ट के अंदर और बाहर भी करती हूँ। मुझे पूरा यकीन है तूने इरादा बदल लिया होगा। इरादा बदला नहीं बल्कि और भी पक्का हो गया। तीसरी के बारे में नहीं सुनोगे? सरस्वती जो बिजली है और कैसे चमक कर गिरती है ना? गिरती नहीं, ये पानी में खड़ी रहती है। क्या मतलब? पेशे से वो डॉक्टर है, सिर्फ औरतों का इलाज करती है, मर्दों को नजदीक फटकने नहीं देती है और शादी का कोई इरादा नहीं है। ये पहलिया क्यों बुझा रहा है, साफ साफ क्यों नहीं बताता? वो हनुमान जी की भक्तन है, ब्रह्मचारण है, उसका अजीब और गरीब आचरण है। तो ये है तेरे तूफान, जलजला और बिजली जिससे तू इतना डर रहा है। अभी मेरी हॉरर कहानी खत्म नहीं हुई गुरु। इन तीनों लड़कियों का दूर का एक अंकल है और उनके तीन लड़के हैं। बड़े लड़के का नाम है तेड़ा, बीच वाले का नाम है मेड़ा और छोटे वाले का नाम है टेड़ा। और उनका बाप हिटलर हटेला। एक हिटलर दुनिया से हट गया, ये रह गया। बड़ा कमीना कुत्ता पापी है। वो सोच रहा है उनके तीनों लड़कों की शादी इन तीनों लड़कियों के साथ कर दें। नाम है मेरा हटेला हिटलर, मेरी मक्कारी के सामने हिटलर भी बन जाता है बटलर। लोग मेरे कैरेक्टर को समझते क्यों नहीं? क्या कहा कादर तूने? तुझे लॉटरी लग गई? ओ लाले, 10 लाख की, पूरे 10 लाख की, देख पेपर में दिया है, देख 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 तो। मुबारक हो कादर, तू तो लखपति बन गया। लेकिन मेरे पास क्यों आया? सुना है सरकार टैक्स काट के पैसा देती है। ओ लल्ले, तेरे पास तो ब्लैक का मनी बहुत बहुत है। ये लॉटरी का टिकट ले ले, अपना काला पैसा सफेद बना ले, पूरे 10 लाख रुपए कैश दे दे, वो भी अभी। ठीक है कादर, मैं तेरी आरजू पूरी कर देता हूं। हिटलर नहीं।
मरने वाले की आखिरी आरजू पूरी करनी ही पड़ती है। अरे खून, डैड आपने अपने बचपन के दोस्त कादर को मार दिया। और क्या करता, उसे मालूम था कि मैं जान नौकर था, उसी मालिक को जान से मारकर मैंने उसकी सारी दौलत हड़प कर ली थी, फिर भी ये मेरे पास 10 लाख की जीती हुई लॉटरी लेकर आ गया। एड़े लोग मेरे कैरेक्टर को समझते क्यों नहीं। यस पाप। एड़े मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे पाप कह के मत पुकारो, क्यों मुझे याद दिलाते हो कि तुम तीनों उल्लू के पट्ठों को जन्म देकर मैंने कितना बड़ा पाप किया है। सॉरी, अब हम आगे से नहीं बोलेंगे। बॉबी भैया, आप हमें याद दिलाना कि पाप को पाप नहीं पापू कहते हैं। ठीक है गुलू, तुम मुझे याद दिलाना कि भैया को याद दिलाना है। जी भैया। पिताजी, इन्हें याद दिलाने के लिए आप मुझे याद दिलाना। उल्लू के पट्ठो, अरे तेरे एड़े, मेरी बात ध्यान से सुनो। गंगा जमुना सरस्वती को तुम जानते हो? जानते का क्या मतलब है, हमने तुम तीनों नदियों में स्नान भी किया हुआ है। उन तीन नदियों में तुम तीनों डूब कर क्यों नहीं मरे? सुनो, मैं नदियों की बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे अंकल शर्मा, उनकी तीन लड़कियां गंगा जमुना सरस्वती, उन तीनों को अपने प्यार के जाल में फंसाओ, शादी करो और उसके बाद उसकी सारी जायदाद मेरे कब्जे में आ जाएगी। और आपके मरने के बाद हमारे कब्जे में, है ना भैया? जितना कहा उतना करो, एक बार कहा तो 10 बार सुनो। राजू बेटा, मैं और मधु कुछ दिनों के लिए वैष्णो देवी मंदिर जाकर आते हैं। देवी माँ से प्रार्थना करूंगी कि अरुण को सद्बुद्धि दे और मधु और अरुण की शादी हो जाए। देवी माँ से मेरे लिए भी प्रार्थना करना माँ, ताकि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। गंगा जमुना सरस्वती, मैं तुझे हवा में उछा लूंगा, तू जिस पर गिरेगा उसी के साथ मैं अपने प्यार का खेल शुरू करूंगा। ये तो गंगा है। चलो गंगा मैडम, पहले तुम्हारा फैसला करते हैं। गंगा तेरा पानी अमृत, आइए। अगर मेरा बस चले तो डाइवोर्स देने वाले तमाम मर्दों को लाइन में खड़ा करके टॉप से उड़ा दूं। गंगा, तुम मर्दों से इतनी नफरत क्यों करती हो? सब मर्दों से नहीं, सिर्फ उनसे जो औरत को अपने पैरों की जूती समझते हैं, उनकी खुशियों के दुश्मन हैं, उनकी इज्जत से खेलते हैं। जो मर्द औरत को बराबर का दर्जा देता है उनसे मुझे कोई नफरत नहीं है। मगर तुम शादी तो करोगी ना? क्यों नहीं करूंगी, जो औरत की इज्जत करता है वही मेरा पति बनेगा। मैं भी औरत की बहुत इज्जत करता हूं, और इसे साबित करने के लिए मैं कोई भी काम कर सकता हूं। तुम्हारा नाम राजू है? जी। अभी नहीं रहेगा। क्यों? तुम कल हमारे मोहल्ले में आया था। बोला हमारे मोहल्ले में आया था। आया था। हमारे छोकर शेर खान को मारा तुमने? बोला मारा था। मारा था। क्यों मारा था? क्यों मारा था? तुम हमको पूछते क्यों मारा था? हमको पूछते क्यों मारा था? अभी वो रोटी कैसे खाएगा? दांतों से। किधर है उसके दांत? तुमने पूरा दांत तोड़ दिया उसका? इन्हें नहीं खाना था, 4 बचे थे। 4 बचा था वो, मैं तोड़ दिया। मैं क्यों? कान का बच्चा मार का के आएगा, मेरा इज्जत खराब करेगा, बेमकबूल। तुम चाहता है कि वो मेरा नाम खराब कर देगा? ओए माफ कीजिएगा मैडम, खान दादा ने मुझे धक्का मारा था। तुम मेरा दिमाग मगन खराब मत करो, मैं तेरे को भी छोड़ेगा नहीं।
वो आई एम सॉरी, आपके आदमी किधर है? ओए मजाक मत करो, तुमको मालूम है हमारा आदमी तुम्हारा बिल्डिंग पूरा घेर के खड़ा है, एक चट्टी मारेगा ऊपर आएगा तुमको मार मार के तुमको कोट कोट के चट्टी बनाएगा। अभी देखो वो सीटी नहीं बजा, तेरा तकदीर बहुत अच्छा है, एक मिनट फिर से ट्राई करते हैं हम। नहीं नहीं खानदादा मत बजाओ, मैं बताता हूँ, आपका बेटा हमारे मोहल्ले की एक लड़की को भगा के ले जाने के चक्कर में था। वो तो अच्छा है, मर्द का बच्चा है, ऐसा करने को हम बहादुरी बोलता है। खान आपके लिए बहादुरी है, लेकिन एक लड़की की, एक खानदान की इज्जत का सवाल है। आपको मालूम है औरत की इज्जत क्या होती है? एक शीशे की तरह, टूट जाए तो जुड़ता नहीं, एक फूल की तरह, तोड़ दिया तो मुरझा जाता है। और आपका बेटा रावण बनकर उस लड़की को उठा के ले जाने की कोशिश कर रहा था, ये मैं कैसे होने देता? मैं अपनी शक्ल अपने गुरु जॉन कुछ को कैसे दिखाता? इसीलिए मैंने उसको मारा। अब बोलो क्या हमने गलत किया? बात तो तेरा बराबर है, लेकिन तू मेरे बेटे को क्यों मारा? क्यों मारा? ये ले। तुमने खान को मारा है? वल्ला खान को मारा है, वल्ला वल्ला वल्ला, तुम खान को मारा, मैं तेरे को नहीं छोड़ेगी। ए खान खबरदार, अगर अपने मोहल्ले की लड़की की इज्जत बचाने के लिए मैंने तेरे बेटे को मारा था, आज इस लड़की की इज्जत बचाने के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा। बुला अपने आदमी, बजा सीटी। बचता नहीं है, कुछ मिस्टेक है। मैं तुम्हारा सीटी प्रैक्टिस करके आएगा, मैं तेरे को देखेगा, तेरे को मैं देखेगा। सीटी बजा दे, सारा क्या होगा? माफ करना, मैं बहुत उत्तेजित हो गया था। मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था कि अपने गुस्से पर काबू रखो, फिर भी मुझसे गलती हो गई। गुरु कौन है आपकी गुरु? जी वो जॉन कुछ। आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ, उन्हीं ने मुझे सिखाया था कि किस तरह औरत की इज्जत करनी चाहिए। अच्छा अच्छा जी, मैं चलता हूँ। हाँ नमस्ते। हाँ नमस्ते। रानी कहाँ है? ले 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 ले। पिताजी क्या है? लगता घर में कोई नहीं है, सब फिल्म देखने गए हैं। नौकरों को भी साथ ले गए? वेरी गुड यार। कैसे लोग हैं, घर खुला छोड़कर चले गए। चुप, मुंह को ताला लगाओ। ताला? ताला मैं तो लाया नहीं। भैया आप लाए हैं? मैं नहीं लाया, तू लाया। नहीं पिताजी, आप ताला लाए। अरे चुप, हिटलर हिटलर। अंकल मैं यहाँ हूँ। ये सब क्या? मिठाई, फल, फ्रूट। ये शगुन है शर्मा। शगुन? हाँ। कैसा शगुन? पंगनी का शगुन। मेरे तीनों बच्चे अब घर बसाने के लायक हो गए हैं, इसलिए तेरे तीनों बच्चियों के साथ मंगनी का शगुन। हमारी मंगनी? यस। आपके लड़कों के साथ? यस। इन बेवकूफों के साथ हम रिश्ता जोड़ेंगे? ये सब क्या हो रहा है हिटलर? ना हमने कुछ तय किया, ना हमारी कुछ बात हुई, और तुम शगुन लेकर आए। बात नहीं हुई तो अभी हो जाएगी, बाद में हो जाएगी। लोग मेरे कैरेक्टर को समझते क्यों नहीं? तुम तीनों अंदर चले जाओ, जाओ अंदर। और आप लोग जैसे आए वैसे बाहर चले जाओ। अरुण। जी पिताजी। इन्हें बाहर जाने का रास्ता दिखा दो। रास्ता हमें मालूम है, मगर ये रिश्ता तुझे मंजूर क्यों नहीं है? क्या बुराई है मेरे बच्चों में? हम सेहतमंद है, हम जवान है, हम खूबसूरत है। बुराई तुम्हारे बाप में है, न जाने कितने बेगुनाहों के खून से इसके हाथ रंगे हुए हैं। तो तू चाहता है कि तेरे खून से भी मेरे हाथ रंगे? मेरे घर में आके मुझे धमकी दे रहे हो, चले जाओ यहाँ से, वरना पुलिस को फोन करके यहाँ बुला लूंगा। शर्मा ये थालियां मैं यहीं रख कर जा रहा हूँ, लेकिन चेतावनी देकर जा रहा हूँ कि एक दिन तू ये सब थालियां अपने सर पर रखकर गिड़गिड़ाते हुए मेरे बच्चों का रिश्ता मांगने आएगा। मैं एक बार कहता हूं, 100 बार समझ लेना। आ देखेंगे यार।
क्या हुआ? अरे शक्ल क्यों छुपाना? शक्ल नजर आएगी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी भाई। क्या मतलब? हेलो मिस्टर राजू। हेलो गंगा जी, नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं ठीक नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ? जब से तुमसे मिली हूँ और तुम्हारे गुरु जॉन कुछ के बारे में सुना है, मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा है। बस सारी रात सो नहीं सकी, तुम्हारी याद में करवटें लेती रही, करवटें लेती रही। पलंग में खटमल बहुत होंगे। ये कौन है तुम्हारे साथ, मुंह क्यों छुपा के रखा है? वो जी, यही तो मेरे गुरु हैं, जॉन कुछ। ना ये किसी औरत जात को देखते हैं, ना ही अपनी शक्ल दिखाते हैं, इसीलिए मुअज्जिस औरतों की तरह पर्दा करते हैं। अच्छा, आप ही गुरु जी हैं? बहुत महान है, मुझे आपके पैर छूने चाहिए। आप कहाँ जा रहे हैं? जी, दो दिन के लिए हम लोग शहर से बाहर जा रहे हैं, नारी रक्षा पर भाषण देने के लिए। अच्छा, मैं भी एक केस के सिलसिले में बाहर जा रही हूँ, आते ही आपसे मिलूंगी। मिलोगे ना? जी जरूर मिलूंगा। अच्छा चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। जी बाय बाय बाय। मुबारक हो गुरु, इस कुछ कुछ ने तो बहुत कुछ कर दिया यार। आ यार, चल मेरे सिक्के, अब बता मेरा दूसरा शिकार कौन है। जबुना, अब इंस्पेक्टर साहिबा की सीटी बजने वाली है। चलो इंस्पेक्टर साहिबा, आपने बहुतों की छुट्टी की है, बहुतों की तलाशी ली है, अब मैं आपकी तलाशी लूंगा। हेलो इंस्पेक्टर जमुना स्पीकिंग। हेलो इंस्पेक्टर, ड्यूटी पर हो या ऑफ ड्यूटी पर? मैं हमेशा ड्यूटी पर रहती हूँ। फोन करने का मकसद बताओ। मकसद? मकसद हम किसी को बताते नहीं, हासिल कर लेते हैं। हमने थोड़ी देर पहले मिनिस्टर की छोटी सी लड़की को किडनैप किया है। क्या चाहते हो तुम? तुमसे मिलना चाहते हैं। सुना है कि तुमने बहादुरी के बहुत से कारनामे किए हैं। देखना चाहता हूँ कि तुम में खूबी क्या है। अगर बच्ची को बचा सकती हो तो बचा के दिखाओ। अगर आधे घंटे के अंदर तुम यहाँ ना पहुंची तो हम बच्ची को जान से मार देंगे। नहीं यार, मजाक कर रहा हूँ। कहाँ पहुँचना है? काले पहाड़ी के पीछे जो फैक्ट्री है वहाँ। मगर अकेली आना, किसी को साथ लेकर आएगी तो तुझे बच्ची की लाश मिलेगी। ठीक है ठीक है। ए भाई, जैसे बोला वैसे ही करना, ठीक है? ओके। हेलो इंस्पेक्टर, अकेली आई हो ना? हाँ बिल्कुल अकेली आई हूँ। अरे लेडी इंस्पेक्टर, क्या बात है? ए, झूठ बोलती है, कहती है अकेली और साथ में अपने पति को लाई है। ये मेरे पति नहीं है, ऐसे इधर आ गए, तुम जाओ यहाँ से। मैडम कोई प्रॉब्लम, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? नहीं जरूरत नहीं, तुम जाओ यहाँ से, वरना मिनिस्टर की लड़की की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। गो, आई सेड गो। ओके ओके ओके। ए, तू जो भी है अच्छा हुआ आ गया, चल जल्दी इंस्पेक्टर का पिस्तौल निकाल। चलो निकालो। निकाल लिया। चलो दोनों ऊपर आ जाओ। ठीक है भाई, ओके।
फॉर योर हेल्प। इस देश के सारे शहरी तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान बने, इसी तरह कानून की मदद करें तो यहाँ से जुर्म ही मिट जाए। थैंक्स अगेन। वेलकम। वैसे मुझे कानून की मदद करके खुशी हासिल होती है। चलता हूँ। ओके। वो अंकल अच्छे हैं ना? बहुत अच्छे। इन्होंने मुझे चॉकलेट्स दिए थे। इन्होंने चॉकलेट दिया था? हाँ। यही मुझे घर से उठाकर लाए थे। आपको फोन भी किया, अभी आपकी मदद भी की। समझ में नहीं आता। अच्छा, ये सब इनका प्लान था। ओ, ओ, बस करो। क्यों मरना चाहते हो तुम? मिनिस्टर की लड़की को क्यों किडनैप किया? बताओ, किसके लिए काम करते हो? कौन है तुम्हारे साथी? तुम्हारा हेडक्वार्टर्स कहाँ है? बताओ। मैं अपने अरमानों के लिए काम करता हूँ। मेरे साथी मेरा प्यार है और मेरा हेडक्वार्टर्स मेरा ये दिल है। तू ऐसे नहीं बताएगा। अरे क्यों अपने नाजुक हाथों पर जुल्म कर रही हो? ठीक है ठीक है, मैं बताता हूँ। लेकिन एक शर्त है, ये सबके सामने नहीं, मैं अकेले में बताऊंगा। ठीक है, तुम सब बाहर जाओ। अब बताओ। करीब आओ, कोई सुन ना ले, दीवारों के भी कान होते हैं। अब बताओ। और करीब आओ। अब बताओ। और करीब। कुछ बताया उसने? हाँ बताया।
क्या बताया? उंच। I love you. I love you. हाँ ठहरो, मैंने कहा ना पंगा मत लो। देख कितने तगड़े तगड़े हाथ मारी है। अच्छा मैं नहीं था, वरना मेरी शक्ल देख के और मारती। दर्द हो रहा है ना अभी? अरे जिसने ये दर्द दिया है ना, उसने अगर फूल नहीं बरसाए तो मेरा नाम राजू नहीं। तू फिर मिलने की बात कर रहा है उससे? ये मेरे भाई तो दुआ करके तुझे मिले नहीं। शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। मैं चला, घबरा गई। बहुत दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है, इन नाजुक नाजुक हाथों को तकलीफ होती है, इसीलिए दर्द हो रहा है। अभी भी तुम मेरे बारे में सोच रहे हो? तो किसके बारे में सोचूं? जिसे प्यार किया जाता है उसी के बारे में सोचा जाता है। I'm sorry, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, मगर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और क्या करता? सोचा या प्यार मिलेगा या प्रेमिका के हाथों मौत। I love you. वाह गुरु वाह, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। एक पुलिस ऑफिसर को अपने प्यार का कैदी बना दिया। अभी नेक्स्ट। वो देख, सरस्वती वहां पूजा कर रही है। तुझे तैरना आता है ना? हाँ, तैरना आता है ना? तैरना ना? हाँ, पक्का? पक्का तैरना यार, तैरने क्या बात? बस 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 यार, एक काम कर, तू नदी में कूद और अंदर से जाकर सरस्वती की टांग खींच दे। बस तू पटाने की कोशिश कर रहा है या डुबाने की? अरे डूबेगी कैसे, मैं बचा लूंगा। जा, आज मंगलवार है ना? हाँ, पानी में मैं जाता नहीं हूँ, माँ ने मना किया बचपन से। अरे मंगलवार से पानी का क्या मतलब यार, तू जाता कि नहीं? तुझे दोस्ती की कसम। कसम मत दे यार। गुरु तेरे लिए आग मैं कूद जाऊंगा। पानी की बात कर रहा, तैरने की बात कर रहा है, पानी की बात कर रहा तू? भगवान, मेरे को तैरना नहीं आता, नहीं आता मेरे को तैरना। बचा बचा बचा। फिर बचाया, अब दांत दिखा रहा है, समझा क्या है मुझको बेवकूफ? गुरु, अच्छी।
रामायण के हनुमान ने लंका में आग लगा दी थी, इस कलयुग के हनुमान ने नदी का पूरा पानी पी लिया है। मैं कहता हूँ गंगा जमुना से काम चला लो, सरस्वती अपने बस की बात नहीं है। एक आइडिया आया। क्या आइडिया है? तूने अभी अभी कहा है कि तू कलयुग का हनुमान है, अब ये हनुमान जी हमारा काम करेंगे। हे बजरंग बली, अब किस मुसीबत में डाल रहे हो भाई? कल सुबह ठीक 10 बजे काली पैंट सफेद शर्ट। प्रभु कुछ गलती हो तो क्षमा कर दे, मगर इन दोनों को मिला दे मेरे प्रभु। पवन पुत्र हनुमान की जय हो। ए डुंगरूस, तुझे अच्छी तरह से याद है ना, तूने ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट ही कहा था। तूने मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? मैंने सरस्वती को बोला है व्हाइट पैंट व्हाइट शर्ट। क्या बोला? क्या बोला? अरे तूने अभी बोला कि व्हाइट पैंट और ब्लैक शर्ट। तूने जो कहा ना वही मैंने कहा। अरे डुंगरूस यार, तू मरवा देगा। तूने मुझे कहा था कि ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट, मैं वही पहन कर रहा है। अभी तू कह रहा है कि नहीं व्हाइट पैंट और ब्लैक शर्ट। पहले जो कहा ना वो करेक्ट है। अरे डुंगरूस दिमाग पर सोट डाल, क्या बोला था बोल। क्यों कंफ्यूज कर रहा तू भाई मेरे? देखो मैंने सरस्वती से ये तो मैंने पक्का कहा है, एक पैंट एक ब्लैक एक व्हाइट ये बनेगा। अरे यार तू मरवा देगा। मगर जो तूने पहना है ना वो करेक्ट है ना, परफेक्ट है। चल कुछ नहीं होता भाई, व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट बराबर है। अबे नहीं यार उधर देख, इधर ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट, इधर ही आ रहा है। सरस्वती वहां पहुंच गई ना, गड़बड़ हो जाएगा, भगा उसे। अभी भगाता हूं। अबे भगा। हाँ।
शाबाश। अरे अरे ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया? तुझे मालूम नहीं इस मंदिर में व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहन के आना मना है? शर्ट मेरी पैंट मेरी, तेरा क्या जा रहा है? ज्यादा बात किया तो पैंट से निकाल के नंगा भेज दूंगा। ये पकड़ पकड़ निकाल निकाल कट। काली पैंट और व्हाइट शर्ट पहन के मंदिर पहुंच। देखिए काली पैंट और व्हाइट शर्ट। मैंने ही आपको गलत समझा था, उस दिन के लिए माफी चाहती हूँ। दरअसल भगवान आपके सपने में आए थे, मुझे तो उन्होंने स्वयं दर्शन दिए। मुझसे कहा मंदिर में जो ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट में मिलेगा वही मेरा होने वाला पति होगा। अच्छा, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं कहा। मगर भगवान की यही इच्छा है। अगर भगवान की इच्छा है तो मेरी भी यही इच्छा है। एक बात कहूं, भगवान की इच्छा बहुत सुंदर है। आपने मुझे बुलाया हिटलर साहब? सुना है तेरी दस्तखत बहुत अच्छी है, इन कागजात पर दस्तखत कर। करता हूं। ये भी तुम्हारी चेकबुक है, इस पर भी तुम्हारे प्यारे प्यारे दस्तखत करो। मगर करो करो। जी जी। मैंने इन कागजात पर यह लिखा है कि तेरे मौत के बाद तेरी सारी दौलत मेरी हो जाएगी। हा? जानता है मैंने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि तूने बेईमानी करके मेरे पैसे अपनी बैंक में जमा किए हैं। मुझसे बेईमानी, जो बेईमानों का सरदार है। लोग मेरे कैरेक्टर को समझते क्यों नहीं? मुझे माफ कर दो हिटलर साहब, मुझे माफ कर दो। माफ किया माफ। मरने वाले की आरजू तो जरूर पूरी करनी चाहिए। डैड, आपने मैनेजर साहब को भी मार डाला। तो क्या करता, पूजा करता? मैंने तुम तीनों से कुछ कहा था? क्या कहा था? आपको पाप नहीं पुकारने का, इसलिए हम तीनों भाई है ना, आपस में एक दूसरे को याद दिलाते रहते हैं। मैंने कैसी औलादों को जन्म दिया है। कान खोलकर सुन लो, कान में उंगली मत डालो। अगर एक महीने के अंदर तुमने उन तीन लड़कियों से शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी बारात निकालूंगा। हंस क्यों रहे हो? अरे भैया आप ही बोलो ना। अरे कोई एक तो बोलो। जब हमारी शादी नहीं होगी तो बरात कैसे आएगी? बताता हूं। हेलो, हम आपको फूल देके प्यार करने आए। What? आप
लोग है ना नाराज मत होइए, ये हमारा आइडिया नहीं, ये बापू ने हमें भेजा है सैंडल्स खाने के लिए। नहीं 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 नहीं, भैया को सैंडल्स खाने की आदत नहीं, वो तो पिताजी के जूते खाते हैं। मंजिले भैया को सैंडल्स खाने की आदत है ना। और तुझे? और मुझे? नहीं 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 नहीं, दरअसल जब पिताजी इन दोनों को मारते हैं ना तो मैं जोर जोर से तालियां बजाता हूँ और फिर ये दोनों मुझे मारते हैं, है ना भैया। तुम लोग हमें फूल देकर प्रेमिका बनाओगे और फिर मंगनी करोगे और फिर शादी करेंगे। ये सब आपको कैसे पता चला? तुमने तो हमारा काम बहुत आसान किया। भैया हम लोग पिताजी की मार खाने से बच गए। मगर कौन किससे मंगनी करेगा? हाँ हाँ भैया हम लोग चुल्ले। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हम तीनों बहनों ने ऐसा फैसला किया है कि हम ऐसे भाइयों से शादी करेंगी जिनकी हाइट एक ही हो। तुम लोगों की हाइट क्या है? हम 6'3" 6'2" मैं 6'1" ओ बहुत गड़बड़ हो गई। क्यों? तो तुम एक काम करो, 1 इंच हाइट बढ़ा लो और तुम 1 इंच कम कर दो, तब तो तुम्हारी हाइट 6'2" हो जाएगी और हम लोग तुमसे शादी कर लेंगे। भैया भैया हमारा काम हो गया, अब बापू हमसे बहुत खुश होंगे। तो हम चले जाओ 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 जाओ। अरे क्या बात है, आज मेरी तीनों बेटियां बड़ी खुश नजर आ रही है। हिटलर अंकल के तीनों बेटे आए थे हमसे शादी करने के लिए। अरे पागल है वो लोग। मगर बच्चों अब देखा जाए तो तुम तीनों की शादी होनी चाहिए। अगर तुम कहो तो मैं कहीं बात चलाऊं। नहीं पिताजी, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हम तीनों ने लड़के पसंद कर लिए हैं। हाँ अरे मैं क्या सुन रहा हूँ, अरे इससे और बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। नहीं काम में देरी क्यों, एक काम करो कल सुबह 10 बजे तीनों लड़कों को घर पर बुलाओ, छठ मंगनी पट ब्याह। क्या कल 10 बजे तुम्हारे पिताजी ने बात करने के लिए बुलाया है? बात करने के लिए नहीं, मंगनी करने के लिए। मंगनी इतनी जल्दी क्यों? मुझे तो इसकी जल्दी है, तुम्हें नहीं? मुझे भी जल्दी है, लेकिन कल ही 10 बजे क्यों? क्यों कल 10 बजे क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ नहीं, तैयारी करनी पड़ेगी ना इसलिए। तुम्हें तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ पिताजी कर लेंगे, बस तुम्हें कल सुबह 10 बजे घर आना है। ओके हाँ ओके। कल मेरी हालत बहुत बुरी होने वाली है। क्यों? ये 3-3 मंगनी एक साथ कैसे होगी? 3-3 क्या मतलब? मतलब यह है कि एक तुम्हारी और मेरी मंगनी और 2 मेरे दोस्त की मंगनी। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे पास आऊँ कि दोस्तों के पास जाऊँ। अरे क्या बात करते हो यार, कोई अपनी मंगनी छोड़कर दूसरे की मंगनी पे जाता है? कल सुबह 10 बजे घर आ जाना। ओके 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 ओके। अब क्या करोगे गुरु, एक ही वक्त में एक ही जगह 3-3 राजू को कहाँ से इकट्ठा करोगे? वही तो सोच रहा हूँ। सोच रहे हैं ना, मेरे पास एक आइडिया है। या अभी उन तीनों बेटियों के बाप के पास जाओ, उनके पैर पकड़ के उनसे माफी मांग लो। ए चुप कर यार, कुछ सोचने दे मुझे, मेरी कोई वैल्यू नहीं है यार। अच्छा हुआ तुम आ गए, अगर तुम नहीं आते तो शायद इस पार्टी का रंग फीका पड़ जाता। वैसे उस दिन तुमने क्या कहा था हिटलर? कि मैं देखूंगा तुम अपनी बेटियों की शादी कैसे करते हो। मैंने तुम्हें इसलिए यहां बुलाया है ताकि तुम खुद अपनी आंखों से यह मंगनी देख सको। वैसे तुम्हारे चेहरे का रंग फीका क्यों पड़ गया है? मेरे चेहरे के रंग को मत देख शर्मा, मैं चाहूं तो अभी तेरी पार्टी को भंग कर सकता। लोग मेरे कैरेक्टर को समझते क्यों नहीं, क्या पता। वैसे मैं सब कुछ भूलकर तेरे लड़कियों को आशीर्वाद देने आया हूं। शर्मा तेरे दामाद दिखाई नहीं दे रहे? आते ही होंगे,
तब तक आप लोग एंजॉय करो। सुनो, गौर से सुनो, एक बार कहूंगा सौ बार समझना। शर्मा के तीनों दामादों को गौर से देखो। कैसे देखेंगे पिताजी, वो तो आए ही नहीं। आने के बाद देखो, और पार्टी खत्म होते ही खत्म कर दो, समझे? समझ गए, आपके बेटे हैं ना, ऐसी बातें जल्दी समझते हैं। थैंक यू। अरे गंगा जमुना सरस्वती, अभी तो वक्त बहुत हो गया, उन तीनों में से कोई आया नहीं। आएंगे दादी। क्या हुआ शर्मा, अभी तक एक भी नहीं आया? नहीं नहीं, इतना खुश होने की जरूरत नहीं हिटलर, आते ही होंगे। हेलो, मैं बोल रहा हूं। क्या, कब? हाँ अच्छा, हम लोग आ रहे हैं। क्या हुआ पिताजी? उन तीनों का एक्सीडेंट हो गया, तीनों को जनरल हॉस्पिटल में एडमिट किया है। चलो हम देखते हैं। चलिए दादी। पिताजी आपकी जबान कितनी काली है, आपने उन तीनों को मरने के लिए कहा, वो तीनों मर रहे हैं। चुप। तीनों का एक साथ एक्सीडेंट, कुछ गड़बड़ है। पिताजी हमको है ना, चुप, उल्लू का पट्टा, बेवकूफ कहते हैं। हमको कुछ ऐसा करना होगा जिसे पिताजी खुश हो जाए और हमारी फिर थप थपाए। हाँ मेरे पास एक आइडिया है। हाँ बको बको। क्या? हम लोग पुलिस स्टेशन जाकर पिताजी के खिलाफ सारा भांडा फोड़ देते हैं। इसी बहाने पिताजी को जेल हो जाएगी और फिर वो हमें उल्लू का पट्टा नहीं कहेंगे। सब ठीक है? ठीक है। उल्लू के पट्टे, पिताजी आ गए। ये तो मेरी आवाज है, क्यों डर गए ना? आप चुप रहिए, आप ही हमेशा गड़बड़ करते हैं। देखिए आप हमें कुछ ऐसा आइडिया बताइए ना जिससे पिताजी खुश हो जाए। नो प्रॉब्लम, मेरे पास एक आइडिया। आप बखुद है। गंगा जमुना सरस्वती के तीनों प्रेमी हॉस्पिटल में पड़े हैं, बैंडेजेस की वजह से उनके चेहरे नजर नहीं आ रहे। हम उन्हें मार कर कहीं फेंक देंगे और फिर बैंडेजेस लपेटकर हम वहां लेट जाएंगे। वो तीनों लड़कियां आएंगी और अपना प्रेमी समझ के हमको प्यार करेंगी और फिर हम उनके साथ वो करेंगे, दोता दीते बाद होता है बस। सिक्योरिटी, जनरल हॉस्पिटल, वार्ड नंबर 12, कोट नंबर 456। तीनों पलंग पर लेटे हुए हैं, पट्टियां बांधी हुई है, नाटक कर रहे हैं। तीनों की मार मार कर खूब धुलाई कराओ, पिटाई कराओ, लेकिन जिंदा मेरे पास लेकर आओ, क्योंकि मारने का काम मैं करूंगा। समझ में नहीं आता लोग मेरे कैरेक्टर को समझते क्यों नहीं। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, मुंह पे पटिया डालते हैं और लेट जाता है कटिया पे। एक बात बताओ, वो तीनों आएंगी हमसे प्यार करेंगी और पप्पी करेंगी। राजकुमारी,
तुम्हारी धुलाई करने के लिए आए हैं। मेरे कैरेक्टर को लोग समझते क्यों नहीं? मेरी चाल टेढ़ी है और मेरी टेढ़ी चाल में आने वालों ने हमेशा हटकर बचकर रहना चाहिए। मेरे बच्चों की शादी गंगा जमुना और सरस्वती से ही होगी। तुम रास्ते में आ गए, अब अपनी जान से जाओगे। अबे चलो, मौत सामने आ गई तो मुझे बाप बना लिया। अरे हम हैं या कोई भी हो, हिटलर से पंगा लेने का हशर क्या होता है इसका अभी पता चल जाएगा। खोलो इनकी पट्टियां, मरने से पहले मुझे इनके थोपड़े देखने दो। पिताजी, अरे तुम्हें ये पट्टियां किसने बांधी? जाओ इनकी दवा पानी करो, उसकी भी क्या जरूरत है, यही पट्टियां इन्हें बांध दो फिर से। जाओ और पता करो वो तीनों कौन है। जाओ। चढ़ा के आ गया ना? एक तो अपना प्लान कामयाब हो गया, ऊपर से मौसम अरे मर गया यार, ये कहां से आ गई? अबे पट्टी 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 ठीक है। अरे गंगा, तुम इतनी रात गए? रात दिन मेरे लिए एक जैसे हो गए हैं राजू, दिन को चैन ना रात को आराम। हाँ मैं तो हॉस्पिटल गई थी, पता चला तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है इसलिए एड्रेस लेके यहाँ आ गई। मगर राजू तुम इतने जख्मी थे, पूरे शरीर पर पट्टियाँ बंधी थी और अभी ये सब मेरे गुरु जॉन कुछ का कमाल है। अरे वो अच्छा? तो मुर्दे को भी जिंदा कर देते हैं। अच्छा? तो फिर ये चोट क्या? हाँ? अरे तुम तो भीग गई हो, जल्दी से कपड़े बदल लो नहीं तो सर्दी लग जाएगी। हाँ, आज मौसम बड़ा बर्बाद है। ए डुगडोस, अब मैं क्या करूं? मर गया। क्या हुआ? जमुना आ रही है। अरे जान दे हटा इसे। अबे पट्टी 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 अरे जमुना तुम? मैं हॉस्पिटल गई थी, तुम वहाँ नहीं थे। मैं एड्रेस लेके ढूंढते ढूंढते यहाँ आई। अब तबीयत कैसी है? तबीयत तो ठीक है, लेकिन तुम तो भीग गई हो, जल्दी से कपड़े बदल लो नहीं तो सर्दी लग जाएगी। इधर नहीं, इधर नहीं। माँ इधर आओ, जाओ। अबे डुंगडोस, मर गया डुंगडोस। अभी ये बात बोल रहे सरस्वती आ रही है, मेरे को टेंशन मत दे। तो अभी उधर देख, उधर देख। पट्टी 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 मेरी पट्टी का, तेरे को मैं पट्टा देता हूँ, पट्टा। एक मिनट एक मिनट, ये ले, ये पकड़ ये पकड़। भगवान के भरोसे जा। अरे सरस्वती तुम? अरे ये क्या हो गया, तुम्हारे दोनों पैर टूट गए? अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा कि
दस पंद्रह दिन व्हील चेयर पे रेस्ट करो। मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए एक भिखारी से उधार लेकर आए। अरे बापी तुम तो भीग गई हो, जल्दी जल्दी कपड़े बदल लो, पकड़ो। हाँ यार, जो कुछ भी हुआ है तेरी वजह से हुआ है। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि मुझे दारू मत पिला। अब मैं समाज के सामने कौन सा मुंह दिखाऊं? मुंह? गुरु तेरे कितने मुंह है? ए मजाक मत कर, मेरी इज्जत लूट गई यार, मैं बर्बाद हो गया। किस किस के साथ बर्बाद हो गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन गड़बड़ जरूर हुआ है। एक से हुआ है या तीनों से, कुछ याद नहीं आ रहा है। गुरु अब आगे क्या होगा, कुछ सोचा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पीछे जो हुआ है उसके बारे में सोचूं या आगे जो होने जा रहा है उसके बारे में? अभी तो सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा, पीछे देख गंगा आ रही है। तुम चलो, मुझे कुछ जरूरी काम है। चलो चलो। राजू अच्छा हुआ तुम मिल गए, तुमसे बात करना बहुत जरूरी था, कब से मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? कल जो हुआ उसके बाद भी पूछ रहे हो क्या हुआ? चलो मेरे घर चलो। मैं अभी घर से ही आ रहा हूँ। अरे अपने घर नहीं, मेरे घर मेरे पिताजी से मिलने। पिताजी? ओ बो, एक काम याद आ गया,
पिताजी से मैं बाद में मिल लूंगा। फिर कभी नहीं, तुम अपने जरूरी काम फिर कभी कर लेना, अब मेरे साथ चलो। इन्हें नहीं, एक बात देंगी, एक मिनट। चलो चल डुंगरूस। भगवान, माँ बाप ने क्या नाम रखा है डुंगरूस, यकीन नहीं आता कि मेरा नाम है। चलो देखते हैं। भैया ये गंगा का होने वाला पति है। हम इसे फॉलो करेंगे और वक्त मिलते ही खत्म कर देंगे। सुंदर है डैडी, पहचानो कौन आया है। कहीं ये वो एक्सीडेंट वाला मेरा होने वाला दामाद तो नहीं है? अरे यंग मैन, बैठो बैठो, आप डैडी से बातचीत कीजिए, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। उस दिन तो बहुत जख्म थे, चेहरा पूरा पट्टियों से ढका हुआ था, आज तो एक भी जख्म नजर नहीं आ रहा है। जी वो ये सब जॉन कुछ की कृपा है, उनके कर्म से जख्म जल्दी सूख जाती है और निशान भी मिट जाते हैं। कोई डॉक्टर है? वो तो बहुत कुछ है, लेकिन सबसे बढ़कर वो मेरे गुरु हैं। लगता है बहुत ज्ञानी आदमी है। जी आदमी नहीं, महात्मा कहिए महात्मा। हाँ। बचपन में मैं एक बार कुएं में गिर गया था। ओ। और मुझे निकालने के लिए किसी के पास रस्सी नहीं थी। हाँ। मैं डूबने ही वाला था, अचानक जॉन कुछ वहां आए, अपनी दाढ़ी का एक बाल निकाला, कुएं में लटकाया, मैं उसी को पकड़कर बाहर आ गया, तब से वो मेरे गुरु हैं। क्या बात कर रहे हो तुम जी। अरे हाँ, मुझे अभी याद आया, गंगा ने एक बार मुझे याद दिलाया था, लेकिन उसने वो लंबी दाढ़ी का जिक्र नहीं किया था। अब दाढ़ी रहेगी कहां से, इतने लोगों को बचाया कि दाढ़ी खत्म हो गई। क्या हुआ बेटे? जी जी, मेरी एक चवन्नी गिर गई। अरे एक चवन्नी गिर गई तो मैं 10 चवन्नी दे दूंगा। जी एक जॉन कुछ ने दी थी, मेरे लिए बहुत लकी है। अच्छा अच्छा, मिल गए? हाँ जी मिल गए। अब क्या हुआ बेटे? अच्छा अच्छा, जाओ जाओ। भैया दाल में कुछ काला, वो चमना को देखकर भागा क्यों? अरे भैया अभी तो भागते हैं, जब आती है। चलो चलकर देखते हैं, चलो। पिताजी अभी अभी कौन था आपके साथ? अरे बेटा गंगा का होने वाला पति था। Really? I really want to see him. अभी आएगा तो मिलाता हूँ तुमसे। Okay. हेलो, आ जा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, होता है तो करेंगे, बस छोड़ देंगे उसमें कोई नहीं, नहीं कोई दिक्कत का प्रॉब्लम। अरे तुम, ये सच्चा कि सपना? वैसे प्यार तो हकीकत ही होता है, लेकिन सपने जैसे लगते हैं। तुम्हें मिलने के लिए दिल मचल रहा था, चला आया, प्यास मिट गई, अब चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? अब मैं चलता हूँ। पिताजी से नहीं बताना कि मैं तुमसे मिलने आया था। क्यों? क्या सोचेंगे कितना खराब है मुझसे नहीं मिला, समझ गई ना? हाँ समझ गई। अच्छा अब मैं चलता हूँ, सब कुछ समझ गई ना? हाँ। ये अच्छी तरह से लॉक कर देना। करूंगी। बाय 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 बाय। ये तो पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। एक बात बताएं हम आपको, यहाँ तो 3 फूल और एक माली है। हाँ। तलवारें चल रही है, लोग मर रहे, 16 मर्डर फूट रहे, एक दूसरे को काट रहे, कुट रहे। मैडम जल्दी तुम कौन हो?
आइए मैडम, आइए बैठिए बैठिए, तुम भी बैठो। नहीं नहीं नहीं, नहीं वो क्या है कि झगड़ा लफड़ा देख के मेरे पेट पे बहुत गड़बड़ हो गई मैडम, बहुत जोर से आ रहा है। आप जल्दी जल्दी मैडम, चार पांच मिनट और ना हो जाए, मैं रिक्शे लेके 2 मिनट में पहुंच जाता हूँ मैडम। आओ बेटे आओ, तुम तो ऐसे आ रहे हो जैसे कोई जंग जीत कर आता है। समझ लीजिए कि जंग ही जीत कर आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कल रात को कुछ खा लिया था उसी की वजह से पेट खराब हो गया। पहले क्यों नहीं बताया, मेरी एक बेटी डॉक्टर है, मैं उसे अभी बुलाता हूँ। जी नहीं जी नहीं, कोई जरूरत नहीं, अब मैं ठीक हूँ बिल्कुल। लो बेटा कॉफी लो। क्या हुआ? वो गर्म है। अच्छा मैं चलता हूँ। पर इतनी जल्दी क्या है? वो क्या है कि बेवा औरतों के लिए चंदा इकट्ठा करना है। कितना नेक काम है बेटा, फिर आओगे तो मुझे संस्था का नाम बताना, मैं चेक दे दूंगा। जी अच्छा गंगा डैडी, आपको होने वाला दामाद कैसा लगा? अरे बहुत अच्छा है बेटा, बहुत अच्छा दामाद चुना है तुमने, वाह। अब समझा, पूरी दाल काली नहीं है बल्कि दाल ही नहीं है, सब काला ही काला है। पिताजी, हम आज आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी लाए, जिसे सुनकर आप बहुत खुश होंगे, हमारी अकलमंदी की तारीफ करेंगे, है ना? अरे तुम्हारी अकलमंदी के कारनामे सुनने के लिए तो मेरे कान तरस रहे हैं। बोलो बोलो, क्या तीर मार कर आए हो? नहीं नहीं बापू, वो तीन नहीं है, वो एक ही है। वो अरे वो तीन बनकर अकेला उन लड़कियों को बेवकूफ बना रहा। वाह बच्चो वाह, क्या कारनामे दिखाए। इसके लिए मैं तुम तीनों को बहुत बड़ा इनाम देना चाहता हूँ। जल्दी दो ये ला, उल्लू के पट्ठो नहीं मिला था बेवकूफ बनाने के लिए? मगर पिताजी, पिताजी नहीं, पाप पुकारो मुझे, यही पाप मुझे हमेशा याद दिलाते रहो। जाओ यहां से। तबूतन, मैंने पहले ही कहा था कि पिताजी को पुलिस के हवाले कर दो। सही कहा था, सॉरी भैया। सर आपके लड़कों ने सच बोला था, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो तीन नहीं है एक ही है। अच्छा तो ये बात है, तो पता करो वो कौन है और उसे यहां मत लाना, वही खत्म कर देना।
टांगे फाड़ के हाथ में देता सालों के। क्या? हाँ, कौन थे लोग? लगता है हिटलर के आदमी थे। इसका मतलब है डुंगरूस, हिटलर को हमारी चाल का पता चल गया। हमें कुछ करना चाहिए गुरु, वरना कहीं ऐसा ना हो कि हमारी चाल हम पे उलट न जाए। वैसे गंगा जमुना सरस्वती तो आपके प्यार में ऐसे गिरफ्तार तो है ही। तो ठीक है, हाँ, कल इस बदले और प्यार की कहानी का क्लाइमेक्स शुरू करते हैं। बस माँ, तुम लोग ठीक समय पर आ गए। आज मैं तुझे एक खूबसूरत चमत्कार दिखाऊंगा। राजू, राजू, माँ, ये गंगा है। मुझे माफ कर दो माँ। जिस घमंड ने आपकी बेइज्जती किया था, अब वो टूट चुका है। उसकी जगह प्यार ने ले लिया है। मैं राजू से बहुत प्यार करती हूँ माँ। माँ, ये जमुना है। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। जाने मैंने उस दिन क्या क्या कह दिया था। मैं आपके बेटे राजू से प्यार करती हूं। माँ, ये सरस्वती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। न जाने उस दिन मैंने क्या क्या कह दिया था। मैं आपके बेटे राजू से प्यार करती हूँ। ये सब क्या है राजू? तेरी बेइज्जती का बदला। मैंने तेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि एक दिन तीनों बहनें तेरे चरणों में गिरकर माफी मांगे। मगर राजू। नहीं माँ, अभी तक मेरी कसम पूरी नहीं। मैंने तुझसे यह भी कहा था कि उनके होठों पर माफी होगी और दिल में तुझसे 100 गुना ज्यादा गम। अब वो दिन दूर नहीं जब मेरी कसम पूरी होगी। तू देखना मां, तू देखना। कमाल है, तीनों बहनों ने सोचा था कभी किसी से प्यार ही नहीं करेंगे, मगर तीनों बहनों ने एक ही साथ प्यार किया, एक ही साथ शादी का सोचा और एक ही वक्त होने वाली सास से भी मिलाए। इसकी वजह है हम तीनों बहनों का आपसी प्यार। सरस्वती, तेरी सास कैसी है? देवी है देवी। उनसे मिलकर खुशी भी हुई और दिल का बोझ भी हल्का हो गया। दिल का बोझ? हाँ, वही देवी जिसकी हमने अपने घर पर बेइज्जती की। क्या, ये क्या कह रही है तुम? वो तो मेरे राजू की माँ है। मैंने अपने किए की उससे माफी भी मांगी है। मेरे वाले का नाम भी राजू है और वही है उसकी माँ। इसका मतलब है राजू ने हम तीनों बहनों को अपने प्यार में फंसाया है। तुम दोनों के पास अपने प्रेमी की तस्वीरें हैं? है, मेरे पास भी है। एक काम करो, तस्वीरें लेकर आते हैं, अभी पता चल जाएगा कि चक्कर क्या है। चलो। क्यों शर्मा, रिटायर्ड हो चुके फिर भी कुर्सी पर अभी तक चिपके हुए हो। इधर उधर की बातें करने के बजाय यहां आने का मकसद बताओ। मैं एक बार कहूं तो 100 बार समझ लेना। मैंने कहा था कि एक दिन तू अपने सर पर थाल रखकर अपनी लड़कियों के लिए मेरे लड़कों का रिश्ता मांगने आएगा। आ गया वो दिन।
अच्छा, कब देखा ये सपना? सपना तो दूर की बात है शर्मा, मैं जो कहने जा रहा हूं वो सुनेगा ना तो तेरी दिन और रात दोनों नींदें उड़ जाएगी। तेरी तीनों लड़कियां प्यार करने लगी हैं, लेकिन तीन लड़कों से नहीं, सिर्फ एक लड़के से। क्या बक रहा है तू? बक नहीं रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं, कड़वी सच्चाई, तेरी इज्जत की अर्थी। लेकिन फिकर मत कर, मैं तेरा रिश्तेदार हूं, दूर का हुआ तो क्या हुआ, तेरी इज्जत वो मेरी इज्जत, तेरी बेइज्जती वो मेरी बेइज्जती। अब भी मेरा वचन जिंदा है, मैं अब भी मेरे लड़कों की शादी तेरे लड़कियों के साथ करने के लिए तैयार हूं। हो चुका? यस, नाउ यू कैन गो। लोग मेरे कैरेक्टर को समझते क्यों नहीं? मैं तुझे मदद करना चाहता हूं और तू मुझे अपना दुश्मन बनाने पर तुला हुआ है। बहुत महंगी पड़ेगी ये दुश्मनी शर्मा। भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं, और हिटलर नाम रखने से कोई हिटलर नहीं बनता। जाओ बाहर जाकर भौंको। नाउ यू गेट आउट। अबे झूठ बोल रहे हो तुम, हमने सब कुछ मालूम कर लिया है अरुण, तुम कॉलेज में क्या क्या गुल खिलाते आए हो। तुमने मधु की जिंदगी से खिलवाड़ किया, उसे अपनी वासना का शिकार बनाया, और जब उसकी माँ आई तो झूठ बोलकर हमसे पाप करवाया। तुम्हारा क्या, तुम्हारी तीनों बहनों को भुगतना पड़ रहा है। उसी का अंजाम है, मधु के भाई राजू ने अपना बदला लेने के लिए हम तीनों को अपने प्यार का शिकार बनाया है। बताओ अरुण, अब हम क्या करें? हमारी जिंदगी उजाड़ने के जिम्मेदार तुम हो अरुण। बस बस, मैं ही जिम्मेदार हूँ, मैं ही पापी हूँ, मुझे माफ करो। माफी हमसे नहीं, मधु की माँ से जाकर मांगो। अगर तुम्हारा जमीर जिंदा है तो मधु से शादी कर लो। ठीक है, मैं ऐसे ही करूंगा, यही है मेरे पापों का प्राश्चित। लेकिन तुम लोगों का क्या होगा? राजू किससे शादी करेगा? बेटी, अरे तू तो मां बनने वाली है। सिर्फ अरुण और तुम्हारा ही नहीं, मेरे भी किए का नतीजा है। उस दिन तुम लोगों ने तो हद कर दी थी, मां जैसी औरत को जलील किया था तुम लोगों ने, और मैं कुछ नहीं कर सका, चुप रहना पड़ा मुझे। काश उस दिन मैं हिम्मत करके तुम लोगों को थप्पड़ मारा होता या तुम्हारी जबान खींच लेता, तो शायद आज ये दिन देखने को मेरे नसीब में नहीं होता। खैर, जो हुआ उसे भुगतो और मुझे भी भुगतने दो। जाओ जाओ, उस लड़के से माफी मांगो और उससे शादी करो। जाओ, मुझे माफ कर दो मां, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मधु को मैंने धोखा दिया, अपनी बहनों के सामने झूठ बोला, तुम्हारी बेइज्जती की। मगर अब मेरी आंखें खुल चुकी है, मुझे पता चल गया है कि औरत की इज्जत क्या होती है और बहनों का दुख क्या होता है। ठीक है बेटा, माफी मांगकर तुमने जो पाप किए थे वो सब धुल गए। अभी नहीं माँ, मेरे पाप उसी वक्त धुलेंगे जब मैं मधु से शादी करूंगा। मुझे माफ कर दो मधु। राजू भैया, आपने मेरी आंखें खोलने के लिए जो किया वही हर भाई करता। मैं तो मधु से शादी कर लूंगा, मगर आप मेरी तीनों बहनों के साथ कैसे इंसाफ करोगे? वो तीनों तुम्हारे बच्चों की मां बनने वाली है। मैं चलता हूं,
फैसला आप पे छोड़ता हूं। राजू, जो मैंने सुना वो सच है? जवाब दो राजू, मुझे जवाब चाहिए। तूने अपनी मां की बेइज्जती का बदला लेने के लिए इतनी गिरी हुई हरकत की? तुमने तीन अबलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाया? जिन्होंने मेरी बेइज्जती की वो तो गैर थे, लेकिन तू तो मेरा अपना खून है राजू। तूने कैसे अपने मां के नाम पर इतना बड़ा दाग लगाया? बता राजू, तूने ऐसा क्यों किया? क्यों किया तूने? इस वक्त मैं तुझे सिर्फ इतना ही बता सकता हूं मां, कि अपने खून पर भरोसा रख। I can't believe, तीनों एक साथ। शर्मा साहब, आपका शक सही है, आपकी तीनों बेटियां गर्भवती हैं। ये कैसे हो सकता है डॉक्टर? लेकिन इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है? अब कोई रास्ता नहीं है, तीनों की शादी करवा दीजिए। शादी? किससे करूं तुम तीनों की शादी? एक ही आदमी के साथ तुम तीनों के फेरे करवा दूं और अपने चेहरे पे बेहयाई और बेइज्जती की काली पोत दूं? कितना भरोसा था अपनी परवरिश पर, अपने खून पर। सिर्फ एक ही बात की कमी रह गई, तुम तीनों का घमंड खत्म नहीं कर सका मैं, और आज वही घमंड हम सबको खत्म करने पर तुला है। मां बाप अपने औलाद के माथे पर चमकता चांद देखने की तमन्ना करते हैं, और औलाद मां बाप के माथे पर बदनामी का दाग लगा दिया करती है। हमें माफ कर दीजिए पिताजी, प्यार में हम अंधी हो गई थी। हम में से किसी को पता नहीं था कि हम एक ही से प्यार करने लगे। प्यार करना पाप नहीं है, लेकिन प्यार में अंधे बनना शादी से पहले मां बनना जरूर पाप है। वो एक ख्वाब था, सैलाब था, जिसमें हम सब बह गए। और तुम तीनों ये समझते हो कि ये सैलाब के पानी में तुम्हारा बाप रोज डूब डूब कर मरता रहेगा, तो ये तुम्हारी भूल है। इस बदनामी से बचने के लिए मेरे पास एक रास्ता है। इस घर की मौत, हम सबकी मौत। गुरु, गुरु, गुरु। क्या हुआ? गंगा जमुना सरस्वती को हिटलर उठा के ले गया। क्या? हाँ। यह कमीनी हरकत उस कमीनी के सिवा कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन डुंगरुस, अब सले हिटलर हटेला की कहानी खत्म। ये मेरी तीनों बहुएं, इन तीनों की शादी तुमसे करवाने यहाँ लाया हूँ। एक बात बताएं हम आपको बापू, ये तीनों है ना किसी के बच्चे की माँ बनने वाली है। तो क्या हुआ? अरे, किसी और के बच्चों को जन्म देने वाली औरतों से हम क्यों शादी करें? हम लोग तो नाजायज पति कहलवाएंगे। हाँ। कुछ भी कहलाओ, लेकिन शादी इनसे ही होगी। पैसों के आगे कुछ नहीं है। करेक्ट। पैसों के आगे कुछ नहीं है। आड़े टेढ़े एड़े, इनके होश आने के बाद मंगलसूत्र पहनाओ, तब तक मैं जश्न की तैयारी करता हूँ। भैया, हमारे भेजू में एक बात आई है। क्या? क्यों ना हम इस खुशी के मौके को सेलिब्रेट करें। लगता है तीनों को होश आ गया है। मंगलसूत्र पहनाकर कोई भी किसी से भी शादी कर लो। जल्दी करो, शुभ अवसर निकलता जा रहा है। शर्मा, तुम अपने इन बेटियों को मेरी बहुओं के रूप में देखोगे। राजू, तुम अपनी बहन का बदला लेने आए थे, तो फिर हमें फंसाया क्यों? अब तुम मुझसे प्यार करो या ना करो,
मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म जरूर देती और तुम्हारी निशानी को हमेशा अपने सीने से लगा कर रखती। अगर कल तुम्हें अपने किए पर पश्चाताप हुआ और तुमने मुझसे शादी करनी चाहिए तो मैं अपनी दोनों बहनों के साथ कैसे इंसाफ कर सकूंगी? वो भी तो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। और अब इसलिए मेरा मर जाना ही ठीक है राजू, मेरा मर जाना ही ठीक है। ये क्या किया तुम लोगों ने, मुझे मर जाने दिया होता। हमारे झूठ की इतनी बड़ी सजा नहीं हो सकती। झूठ? हाँ, हमने झूठ कहा था कि हम माँ बनने वाली हैं। दरअसल जब तुमने उल्टी की तो मैंने सोचा राजू को पाने के लिए नाटक कर रही हो, इसलिए मैंने भी नकली उल्टी की। ये देखकर मैंने भी उसी उल्टी के ड्रामे का सहारा लिया। हाँ। मगर वो डॉक्टरी चेकअप वो भी नकली था। मैंने मनगढ़ंत कहानी बनाकर डॉक्टर साहिबा को बेवकूफ बनाया और मैंने भी रिश्वत देकर अपना काम बनाया। राजू की तो सिर्फ तुम ही दुल्हन बनोगी। मगर तुम दोनों भी तो उससे प्यार करती हो। हमने सिर्फ प्यार किया, मगर तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो, इसीलिए अब सिर्फ उस पर तुम्हारा हक है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इस सच्चाई ने मुझे बहुत बड़ी रसवाई से बचा लिया, वरना खुद खुश करने के बजाय मेरे पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। नहीं अंकल, कसूर आप में से किसी का नहीं, सिर्फ मेरा था। सजा मुझे मिलनी चाहिए। मैं अपनी मां और बहन के बदले की आग में दूसरों की भावनाओं को जला बैठा था। मैं ये भूल गया था कि मेरी मां और बहन की तरह ये तीनों भी किसी घर की इज्जत है। इस कसूर के लिए आप जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है। पिताजी तो रिटायर है इसलिए सजा हम देंगे। तुम्हारी पहली सजा यह है कि तुम हमारे कसूर को माफ करके अपनी बहन मधु को दुल्हन बनाकर जल्द से जल्द हमारे घर भेजोगे। और तुम्हारी दूसरी सजा है तुम्हारी और गंगा की शादी। सजा ग्रांटेड। मैं शायद दुनिया का पहला मुजरिम हूँ जिसकी इतनी संगीन जुर्म की सजा इतनी रंगीन है। मुझे मंजूर है। अरे वाह वाह वाह। लोग मेरे कैरेक्टर को समझते क्यों नहीं? शर्मा, मैंने कहा था ना कि मैं मेरे लड़कों की शादी तेरे तीन लड़कियों से करूंगा। देख, तेरी तीनों बेटियां मेरी बहुएं बन गई हैं। मुबारक हो। मुझे लगा तू नाराज हो जाएगा, लेकिन तेरी बोलती ही बंद हो गई। लगता है तूने मेरे कैरेक्टर को समझ लिया और अपने हथियार डाल दिए। चलो अच्छा है, चल सबको आशीर्वाद दे दे। अरे सोचता क्या है, हारने वाले कभी सोचा नहीं करते, हंसते हंसते अपनी हार कबूल कर लेते। अपनी बेटियां बहू के रूप में कैसी लगती है वो तो देख। बच्चो जरा इन लड़कियों के चेहरे पर से फूल तो हटाओ। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें दिखाता हूं ना चेहरा। गंगा, जमुना, सरस्वती। पाओ पड़ू ससुर जी। फिर ये कौन है? देखो ओवर टाइम हो गया, 2000 रुपए ज्यादा दीजिए। धोखा, हिटलर के साथ धोखा। शर्मा, ये तूने अच्छा नहीं किया। मेरे कैरेक्टर को लोग समझते क्यों नहीं? क्योंकि तू एक नंबर का उल्लू का पट्टा है। तू कौन है? मैं दो नंबरी, तुझसे एक नंबर आगे। अच्छा, तो वही है तू जिसने इन तीन लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं इनकी जिंदगी बनाने की सोच रहा था तो तूने बीच में टांग अड़ा दी। मैं टांग अड़ाता नहीं, मैं टांगे तोड़ देता हूं। अब बताओ, तुम लोग अपनी अपनी टांगों पे यहां से जाओगे या मैं फोन करके एम्बुलेंस बुलाऊं? एम्बुलेंस नहीं अर्थी, लेकिन अपने लिए। आप लोग मेरे कैरेक्टर को समझते क्यों नहीं हैं? ससुर जी, एक काम करो, अपनी बहुओं को साथ लेते जाओ, खूब सेवा करेंगी। तुम्हारे कैरेक्टर को तो लोग समझ गए, अब तुम इनके कैरेक्टर को समझने की कोशिश करो।
ठीक है, मैं सबको समझ लूंगा। चलो बच्चों। हसो हसो, रुलाया नहीं तो मेरा नाम हिटलर हटेला नहीं। ये मेरा नाम है हिटलर हटेला। लोग मेरे कैरेक्टर को समझते क्यों नहीं? पिताजी एक बात हम आपको बता देते हैं, सारी बाजी हारने के बाद भी आपने अपनी अकड़ नहीं छोड़ी है। अरे आज से अपना नाम हिटलर हटेला नहीं, हिटलर ठकेला रख लीजिए। मैं तो पहले से कहता था कि पिताजी को पुलिस के हवाले कर दूं। अबे उल्लू के पट्ठो चुप बैठो, तुम्हारा बाप हारा नहीं, बाजी अभी तक खत्म नहीं हुई। आखिरी चाल मेरी होगी और जीत भी मेरी होगी। कल राजू की बहन की शादी है ना अरुण के साथ, उसने मेरे बच्चों की शादी नहीं होने दी, मैं उसके बहन की शादी कैसे होने दूंगा? मेरे कैरेक्टर को लोग समझते क्यों नहीं? तेरे भाई ने मेरे बच्चों की शादी नहीं होने दी, अब ये तीन सांड है, कुवारे तो नहीं रह सकते, अब ये तीन तेरे साथ शादी करेंगे। नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ो, मंगलसूत्र पहनाओ और सुहागरात मनाओ। लेकिन डैड, लड़की तो एक है और हम लोग तीन। तो क्या हुआ, द्रौपदी एक पांडव पांच? अरे लोग मेरे कैरेक्टर को समझते क्यों नहीं? लेकिन पा, एक बात हमारे जहन में नहीं आ रही है कि पहले लड़की के साथ सुहागरात कौन मनाएगा? जो पहले मंगलसूत्र पहनाएगा वही सुहागरात मनाएगा। गेट लॉस्ट।
अरे किम। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए पिताजी को। वैसे भी हम पिताजी को पुलिस के हवाले करने वाले थे, क्यों पिताजी? उल्लू के पट्टो, अरे लोग मेरे कैरेक्टर को समझते क्यों नहीं? चलो चलो चलो, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट। शिवे सर्वा साधिके शंत्रंबिके गौरी नारायण नमस्तुते। ओम विष्णुये नमः। कन्या को मंगलसूत्र पहनाइए। ओम ब्रह्माय नमः। ओम विष्णुदेवाय नमः। तुम्हारा घर तो बस गया। मैं और सरस्वती सोचती है घूमने के लिए अमेरिका चले जाएं। अरे मुझे छोड़कर कहाँ जाओगे भाई? अब क्या, तुम्हें तो पत्नी मिल गई। अरे तुमने वो कहावत सुनी नहीं, साली आधी घर वाली।